we start now? Yeah. Okay. So in the class yesterday we saw SR flip flop, that is set reset flip flop. Now this is experiment 5, today's experiment is JK flip flop. So it is similar to SR, but instead of set reset we call them J and K. What is the internal construction difference? I will explain in the class. But let us assume that from this table, at least we know that whenever J is 0, the output goes low, and whenever K is 0, the output goes high. Similarly, if J is 1, the output is high. So this is more like a set and this is more like a reset. Okay. So, agar output high leke jana hai, so you have to set J and K 1-1. So J 1 hota hai, so output high chala jata hai. K 1 hota hai, so output low ho jata hai. Lekin bar mein output high chala jata hai. So this is Q and Q bar. So ideally they should have different states always. Matlab jab Q high ho, Q bar low hona chahiye. अब आप देखोगे यहाँ पे एक स्टेट है जिसमें दोनों 1-1 है, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन स्टेट, जब Q एंड Q बार बोथ आर द सेम थिंग. कमिंग टू द अदर इनपुट्स, यू हैव सेट एंड रीसेट. नाम से ही पता चल रहा है कि सेट मतलब आउटपुट हाई कर देगा, रीसेट मतलब आउटपुट लो कर देगा. लेकिन यहाँ पे लिखे सेट बार, सेट बार मतलब आपको अगर आउटपुट सेट करना है तो वहां पे जीरो देना होगा, इसीलिए सेट बार लिखा. तो पहला केस क्या है कि सेट बार जीरो है, रीसेट 1 है, ठीक है. सिंपल है, जे एंड के कुछ भी होगा, ये पावरफुल इनपुट्स है, तो ये अगर 1 बोलेंगे तो आउटपुट 1 चला जाएगा. यू कैन ट्राई दिस कंडीशन, जे के कुछ भी रखो, 0-1, 0-1, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आउटपुट जो है वो डायरेक्टली 1 हो जाएगा. नेक्स्ट इज रीसेट, जब रीसेट बार जीरो होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू गिविंग अ पल्स एट द रीसेट पे, क्योंकि ये बार है इसलिए जीरो आने पे आउटपुट रीसेट हो जाएगा. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जे एंड के इनपुट, आउटपुट विल गेट रीसेट. नेक्स्ट इज 0-0. नाउ दिस इज नॉट डिजायरेबल, यू आर ट्राइंग टू सेट एज वेल एज रीसेट, एंड इन दैट केस द आउटपुट गोज टू अ फॉरबिडन स्टेट, बिकॉज दैट इज नॉट डिजायरेबल. आप सेट भी करना चाहते हो, रीसेट भी करना चाहते हो. अब ये तीन स्टेट क्लियर है आपको, तो आप ट्रुथ टेबल में क्या निकालोगे, फोटो कितने निकलोगे इसके, 1, 2, 3, ये कुछ भी हो सकता है, करेक्ट. तो तीन फोटो काफी है, या 6 भी लोगे तो भी आउटपुट यही आने वाला है, क्लियर. नेक्स्ट जो है, जब दोनों 1-1 हो जाते हैं, मतलब ना ही मैं सेट करना चाहता हूँ ना ही मैं रिसेट करना चाहता हूँ, तब इनपुट कंट्रोल में आता है जेके की. नाउ पहला केस 0-0 जब है, तो प्रीवियस कंडीशन जो होगा वो होल्ड करेगा, मतलब अगर क्यू 0 है और क्यू बार 1 है तो 0-1 वैसे ही मेंटेन रहेगा. लेकिन अगर प्रीवियस कंडीशन ये 1 है और ये 0 है तो वो मेंटेन होगा. सो दिस इज कॉल्ड अ मेमोरी, एंड ये फ्लिप फ्लॉप पूरा जो है वो 1-bit मेमोरी एलिमेंट ही है, इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी एलिमेंट. नेक्स्ट इज इफ आई वॉन्ट टू राइट इन मेमोरी लो, दैट इज 0, वॉट आई विल डू इज आई विल गिव J at 0 and K at 1. तो ये kind of writing operation है J और K के ऊपर. आपको इसके हर केस के 4 फोटो लेने हैं, तो आपके टोटल 3+4, 7 फोटो JK फ्लिप फ्लॉप के होंगे. और एक चीज आपको समझना है कि यहाँ और एक इनपुट है क्लॉक, तो आपके सर्किट में सेट है, रीसेट है, जो कि एक्चुअली बार पिंस है, J है, K है, तो J सेट किया उसके सामने Q लिखा है तो Q सेट हो जाता है, के सेट किया तो उसके सामने ही क्यू बार लिखा है, क्यू बार सेट हो जाता है. ये जो चीज़ है यहाँ से जो जा रही है वो क्लॉक है, क्लॉक में एक पल्स आती है, तो आपके किट में यहाँ पे पल्सर है, उसको आप क्लॉक की तरह यूज कर सकते हो, या फिर सीधा यहाँ पे सिग्नल भी दे सकते हो, लेकिन आप क्लॉक आप मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है. क्लॉक में ये आईसी लेवल ट्रिगर्ड है. लेवल ट्रिगर मतलब क्या, कि अगर हाई वोल्टेज दैट इज 5 वोल्ट इफ देयर फॉर सर्टन टाइम देन इट विल चेंज द स्टेट. मतलब आपने यहाँ जे 1 दिया है, के 0 दिया है, आउटपुट हाई जाना एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर क्लॉक नहीं है तो आउटपुट हाई नहीं जाएगा, याद रखना. स्टेट चेंज या ये टेबल तभी रिफ्लेक्ट होगा व्हेन यू प्रोवाइड अ क्लॉक, ठीक है. तो आपके एक फोटो में बिफोर क्लॉक, प्रेस इट आफ्टर क्लॉक,
या फिर आप इस तरह का बटन यूज कर रहे हो तो वेन क्लॉक इज लो हाई करो वापस लो करो तो एक क्लॉक सिग्नल जनरेट होगा तब आउटपुट चेंज होगा। तो बेसिकली ये 7 फोटो और क्लॉक का स्टेट मिला के टोटल 14 फोटोग्राफ्स यू हैव टू सबमिट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एम आई क्लियर विद दिस? नाउ कनेक्शन वाइज दिस आईसी हैज वीसीसी एट पिन नंबर 5 आई गेस एंड पिन नंबर 13 इज ग्राउंड, नॉट लाइक योर रेगुलर गेट्स। रेगुलर गेट्स में क्या होता है, डायगोनली दो अपोजिट एंड जो है वो वीसीसी ग्राउंड रहते हैं, इसमें वैसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, डेटा शीट से फोटो लोगे, पिन आउट देखोगे और फिर ही वीसीसी ग्राउंड कनेक्ट करोगे। तो आपको हमेशा नॉच ऊपर की तरफ रखना है। सो प्लेस योर आईसी लाइक दिस एंड क्लोज इट, दिस इज कॉल्ड जीरो इंसर्शन हुक। तो ये लॉक हो गया है। देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वायर ब्लैक, वी चूज कलर कोडिंग ग्राउंड, ठीक है। तो जो भी ग्राउंड पिन होगी, आई डोंट नो, मे बी 13 होगी। अब आप देखो मैंने 16 पे लगाया, फिजिकली यहाँ 16 लिखा है लेकिन आईसी जो है वो 7 पिन की थी, करेक्ट। सो 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे ग्राउंडिंग लगेगा। तो ये नंबर मत देखना, आईसी का नंबर जब खत्म होता है, 7 पिन की आईसी है तो ये 8 होता है, 14 नहीं होता, 9, 10, 11, 12, 13 क्लियर। नाउ कमिंग टू द कनेक्शंस, कितने बार लगेंगे वीसीसी ग्राउंड, दो कनेक्शन होंगे आईसी को। नेक्स्ट आप देखोगे सेट और रीसेट पिन लगेंगे, तो और दो वायर लगेंगे। ये जो भी आईसी है इसमें दो जेके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो आप ऐसे मत कर देना कि सेट किसी और फ्लिप फ्लॉप। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करता है, 4-bit कंपैरेटर है 7485। सो आई हैव 0011, दिस मींस 3, ओके, एंड 0100, दिस मींस 4। आउटपुट कौन सा हाई आना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। ए लेस देन बी बराबर और ये दोनों जीरो आए। सो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट केसेस। नाउ दिस कंपैरेटर आईसी हैज 4-bit इनपुट्स, 4 bits फॉर ए, 4 bits फॉर बी, एंड इफ यू वांट टू डू मल्टीपल लेवल कंपेरिजन इट ऑल्सो हैज प्रीवियस इनपुट। सो देर इज पिन कॉल्ड आई ए इक्वल टू बी, आई ए ग्रेटर देन बी एंड आई ए लेस देन बी, और आउटपुट जो है वो ओ ए इक्वल टू बी, ओ ए ग्रेटर देन बी, ओ ए लेस देन। और इसके अलावा बीसीसी ग्राउंड का कॉमन होता है ऐसे। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन देने हैं, आपको तीनों कंडीशन चेक करनी है, मतलब ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, तीन फोटो ये मिनिमम आएंगे, ठीक है। उसके अलावा यू कैन ट्राई आउट 3 मोर कंडीशन रैंडमली एंड चेक व्हाट इज द आउटपुट फ्रॉम द कंपैरेटर, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस, देन यू कैन टेक दिस वन। इस केस में क्या होगा आंसर, ए ग्रेटर देन बी, नहीं बी अभी भी 8 है और ये 7 है तो सेम ही आएगा, क्लियर। सो देयर टू डिफरेंट पॉसिबल परमिटेशन कॉम्बिनेशन एंड फाइंड आउट वेदर यू कैन कंपेयर दीज, ओके। And in exam, if we ask 8-bit, what you will do? Take two of these ICs. पहले वाले का आउटपुट नेक्स्ट वाले के इनपुट को कनेक्ट करोगे और उसका पार्शियल ए और ये बचा हुआ है 4+4, 8-bit कंपैरेटर बन जाएगा, क्लियर। तो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पार्ट 2।